नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ड्रम ब्रेक के जो पैड्स हैं, जिन्हें हम ब्रेक शू और ब्रेक लाइनर भी बोलते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके मोटरसाइकिल में फ्रंट व्हील में भी ड्रम ब्रेक लगी है तो उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आपको जस्ट ये जानना है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो अभी और चल सकते हैं या वो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे, तो उसे आपको किस तरह से चेक करना है, तो उसके लिए लिए जो एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे एक ब्रेक लीवर के साथ में एक नट लगा रहता है, जिसे हम एडजस्टर नट भी बोलते हैं। आपको इसे पूरी तरह से ओपन कर लेना है। देन आपको जो है वो अपने यहाँ पे एक जो ब्रेक प्लेट है इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक नट लगा रहता है, इसे भी ओपन कर लेना है। और यहाँ पे एक पिन लगी रहती है, मेरे केस में ये पिन नहीं है, तो ये आपके केस में यहाँ पे पिन हो सकती है, तो आपको उसे भी निकाल लेना है। देन इसे ओपन कर लेना है, उससे हमारी जो ये ब्रेक प्लेट है ये बिल्कुल फ्री हो जाती है। और ये जो दोनों के दोनों जो नट हैं ये 14 mm के होते हैं। देन आपको जो हमारा व्हील का जो एक्सल है उसे ओपन करना है, उसके लिए हमें इस नट को ओपन करना है। तो मेरे केस में ये नट जो है वो 22 mm का है, आपके केस में और भी वेरिएंट का हो सकता है, 14 mm, 17 mm का हो सकता है। तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको जो वो क्या करना है। जैसे ही आपके सभी जो नट हैं वो ओपन हो जाएं, उसके बाद आपको जो ये एक्सल है इसे दूसरी तरफ को जो वो धकेल देना है। अगर ये टाइट हो तो इसे आप जो है वो किसी चीज़ से हिट करके जो वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बैक साइड पे ये एक यहाँ पे एक स्पेसर दिया होता है, तो इसे आप निकाल के जो अपना एक्सल जो वो दूसरी तरफ को खींच लें और इसे जो वो आप संभाल के रख लें। तो ये देखिए, ये स्पेसर इसका निकल गया है। देन आप जो है वो अपना ब्रेक प्लेट है उसे इस तरह से निकाल लें। और किसी केस में जो है वो ऐसा रहता है कि आपका जो ब्रेक प्लेट है वो व्हील के साथ ही बाहर में आती है, तो मैं व्हील भी जो है वो बाहर निकाल देता हूँ। आपको सिंपली जो है वो एक्सल पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है, देखिए। देन आपको अपना जो व्हील है उसे तरफ को स्लाइड करके इसे बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से आपका जो व्हील है वो भी बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देख जो पुराने ब्रेक शूज़ हैं ये पूरी तरह से यूज्ड हो चुके हैं, वेयर ऑफ हो चुके हैं, तो हमें जो वो इन्हें अब चेंज करना है। तो आपको जो वो सिंपली यहाँ पे इन्हें ओपन करने के लिए एक तरफ से इसे इस तरह से टिल्ट करना है, दूसरी तरफ से टिल्ट करना है और ये बाहर निकल आएंगे। और जब भी आप अपनी ब्रेक पैड्स को जो वो चेंज करने जा रहे हो, तो हमेशा जो इसकी ये ब्रेक प्लेट है इसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अगर आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन करना है तो आपको जो है वो ब्रेक क्लीनर आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेक क्लीनर नहीं मिलते हैं तो आप केरोसिन या पेट्रोल से भी इन्हें क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो ये व्हील है जहाँ पे हमारे जो ड्रम ब्रेक्स चलते हैं, तो अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, ये इसमें से जो हमारा पुराना ब्रेक शू है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे भी आप अच्छी तरह से जो वो क्लीन कर लें। तो मैं इन्हें जो क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो ब्रेक प्लेट है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, जितना मैं कर सकता था उतना कर दिया है। और साथ ही में जो ये हमारा व्हील है इसके ऊपर जो ये लगा रहता है यहाँ पे भी हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो अब हम जो वो इसमें नए ब्रेक शूज़ जो वो डालेंगे। तो आप जो है वो अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो बजाज से नए शूज़ जो वो ब्रेक शूज़ जो है वो लेके आ जाए। और हमेशा जो है वो जेन्युइन पार्ट ही यो जो है इसमें यूज़ किया करें, क्योंकि जो जेन्युइन पार्ट है उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है।
हमेशा याद रखें कि जब भी आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके हाथ में कोई भी ग्रीस वगैरह जो वो नहीं लगी होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो आपके जो ब्रेक शूज़ हैं वो काम करना जो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो इन ब्रेक शूज़ के साथ जो वो स्प्रिंग नहीं आया है, कई ब्रेक शूज़ के साथ जो स्प्रिंग भी आता है, तो आपको जो वो पुराने स्प्रिंग ही यूज़ करने हैं, तो इन्हें आप जो वो इनसे निकाल लें। और इनको जो वो इसमें आप इंस्टॉल कर दें। और इस बात का ध्यान रखें कि जो ये फ्लैट साइड है ये दोनों मैच करनी चाहिए, और राउंड साइड जो है वो इस तरह से मैच करनी चाहिए। और जैसे ही आपके ये स्प्रिंग जो है वो लग जाएं, देन आपको जो है वो फ्लैट साइड को फ्लैट साइड पे और राउंड साइड को राउंड साइड पे लगाना है। तो सबसे पहले आप इस तरह से इधर लगा दें, देन इससे जो है वो आप एकदम जो है वो ज़ोर लगा के जो है इसे तरह से इंस्टॉल कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, और आप जो है इसे ये देखिए इंस्टॉल करके जो चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। और मैंने काफ़ी जो ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं वो दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे जो है वो ग्रीसिंग करनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी ग्रीस आप यूज़ मत करिए। अगर बाई चांस आपका जो ये लीवर है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ये हार्ड है, तो इसे आपको किस तरह से ठीक करना है उसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको देखनी हो तो वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आपको उसकी उस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं वो भी बना दूंगा। आपको सिंपली ये इसी तरह से इंस्टॉल करने हैं, और इसमें ग्रीसिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसे जो सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। अब आपको जो सिंपली सबसे पहले जो टायर है वो आपको लगा देना है। अगर आपके केस में आपने टायर के साथ ही जो ब्रेक प्लेट है वो निकाली है तो उसे बिल्कुल साथ में लगा के लगा दे। मेरे केस में मैंने अलग निकाली थी इसलिए मैं इसे पहले व्हील को लगा रहा हूँ। तो जैसे ही आपका व्हील इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे जो एक्सल है उसे लगा दे, और एक्सल को जो पूरी तरह से बाहर नहीं निकालना है। देन आपको जो है वो अपना जो ब्रेक प्लेट है उसे आपको लगा देना है, देन आपका जो एक्सल है उसे थोड़ा आगे बढ़ा दे, देन आपका जो ये स्पेसर है इस स्पेसर को आपको लगाना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सल है वो इस तरफ से निकल चुका है। अब हम जो है इसकी वॉशर लगा के जो इसका नट है वो टाइट कर देंगे। इस नट को अभी आप पूरी तरह से टाइट ना करें, पहले जो अपनी जो ब्रेक प्लेट है उसकी जो स्पोर्ट है उसे लगा के टाइट करके, देन इसकी जो ब्रेक की ये लीवर है इसे भी अटैच कर देंगे हम। और ध्यान रखें कि आप इस नट को अच्छी तरह से टाइट करें, और इसके बाद में जो इसकी यहाँ पे पिन आती है उसे भी लगा लें, नहीं तो आपकी जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी अगर ये यहाँ से नट जो वो लूज़ होके गिर गया, और आपका जो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए इस नट को प्रॉपरली टाइट करें। देन आपकी जो ये ब्रेक रॉड है इसे ब्रेक लीवर में लगा दें। अभी आपको जो एक्सल का जो नट है वो टाइट करना है, उसके लिए एक ट्रिक रहता है। आपको जो अपनी जो ब्रेक पैडल है उसे पूरी तरह से दबा देना है, देन आपको जो ये यहाँ पे नट जो वो टाइट करना है। तो अभी मैं जो इसके यहाँ से दबा के रखता हूँ और देन इसको जो वो टाइट कर देता हूँ। इस वे से हमारा जो व्हील है वो टाइट भी ज़्यादा नहीं होता है, ये आसानी से घूमता है, और आपका जो एक्सल नट है वो भी अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। तो ये देखिए ये काफ़ी फ्रीली जो है वो हमारा
व्हील जो घूम रहा है, उसके बाद में अपनी जो आप ब्रेक है वो एडजस्ट कर लें, जितनी आपको टाइट करनी है उतनी टाइट कर लें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप उसे लूज़ भी कर सकते हैं। तो आप ही अपनी ब्रेक पैड्स को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।